और बात बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया है, एक दो नहीं 19 बम बरसाए ईरान पर, और कहा जा रहा है कि अब इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया है। तेहरान और करज में एक दो नहीं 19 बम बरसाए गए हैं इजराइल की तरफ से, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किया गया है। ईरानी हमले का इजराइल ने बदला ले लिया, यह कहा जा रहा है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, उसके बाद इजराइल ने साफ कर दिया था कि अगर ईरान ने अटैक किया तो इसका बदला लिया जाएगा, जबरदस्त पलटवार किया जाएगा, और उसी का नतीजा है कि अब इजराइल ने ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर ली है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी, ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला हुआ है, आईडीएफ ये कह रही है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया है, तो 1 अक्टूबर आपको याद होगा जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, उसके बाद अब इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला बोला, और आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया, आईडीएफ ने बाकायदा इसे लेकर अपनी बात भी सामने रखी है। तो चलिए, इन सब के बीच अब आईडीएफ की तरफ से भी बयान सामने आया है, और डैनियल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान हमला करता है तो उस हमले का प्रतिघात यानी कि जवाबी कार्रवाई के लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का यह बयान, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरानी प्रॉक्सी अटैक कर सकते हैं, उसके लिए भी आईडीएफ फोर्स पूरी मुश्तैदी के साथ तैयार है। तो चलिए, उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल ने अमेरिका को जानकारी दी है ईरान पर हमले की। इसराइल ने जानकारी दी है, अमेरिका से इस जानकारी को साझा किया है, क्योंकि जब ईरान ने अटैक इसराइल के तमाम सैन्य ठिकानों पर किया था तब अमेरिका खुले मन से इसराइल की तरफदारी करता हुआ नजर आया था, और यही वजह है तेहरान पर 19 धमाकों के बीच अब इसराइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी, जो पूरी जानकारी है वो अमेरिका को दी है। इसराइल ने अमेरिका को इन हमलों की पूरी विस्तृत जानकारी अमेरिका को सौंपी है। तो आईडीएफ ने ईरान को जवाब दिया है, और इस जवाब का हर एक संदेश अमेरिका तक पहुंचाया है। और तेहरान हमले के बीच नेतन्याहू ने अहम बैठक की है, जहां एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि नेतन्याहू बंकर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के अंडरग्राउंड बंकर में बैठक हुई है, रक्षा मंत्री गैलेंट और आईडीएफ के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। तो देखिए, एक तरफ इजराइल ने ईरान से बदला ले लिया है, ताबड़तोड़ 19 एयर स्ट्राइक किए गए ईरान पर, उसके बाद ये मीटिंग की तस्वीर सामने आई जहां इजराइल के पीएम नेतन्याहू मीटिंग करते हुए नजर आए। बंकर बताया जा रहा है, आईडीएफ के अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग हुई है, जहां रक्षा मंत्री योग गैलेंट के साथ आईडीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। यानी नई रणनीति बनाई जा रही है, इस तस्वीर के जरिए यही बताने की कोशिश की गई है। यह तस्वीर सामने आई है जहां पीएम नेतन्याहू, इजराइल के पीएम नेतन्याहू लगातार बैठक करते नजर आए, और यह बंकर बताया जा रहा है, आईडीएफ का बंकर, जहां यह सीक्रेट मीटिंग हुई है, और यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ, इजराइल के रक्षा मंत्री के साथ साथ आईडीएफ के बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। तो इजराइल ने अपना बदला लिया, 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान ने अटैक किया था, भीषण तबाही मचाई थी, उसके बाद अब देखिए इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है, एक दो नहीं 19 बम बरसाए हैं। तो इजरायली धमाकों के बीच अब ईरान में अफरा तफरी मच गई है, कई शहरों की तस्वीर सामने आई है, शहर छोड़ने की अब लोगों में होड़ मच गई है, गैस स्टेशन पर कार्स की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, परिवार के साथ लोग कार में सवार होकर जान बचाने में अब लगे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, दरअसल ईरान में हमले के बीच अब लगातार गैस स्टेशन पर कारों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, और आप इन कतारों में कारों की अगर संख्या गिनेंगे तो शायद आपकी उंगलियां थक जाएं इन कारों की संख्या गिनने में, क्योंकि हर एक शख्स चाहता है कि वो ईरान जल्द से जल्द छोड़ते, और खास तौर पर ईरान की राजधानी तेहरान वो अपने परिवार सहित जल्द खाली कर दे। ये तस्वीर उस बात की तस्दीक और बिल्कुल स्पष्ट गवाही इसी दिशा में कि इसराइल जो लगातार अब तेहरान पर अटैक कर रहा है, क्योंकि राजधानी में 19 हमले एक साथ इसराइल ने जो किए हैं, उन हमलों के बीच अब तेहरान में शहर छोड़कर भागने वालों की लंबी कतार लगी हुई है।
इधर देखिए, इजरायली अटैक पर अमेरिका ने सफाई भी दी है। ईरान पर हुए हमले में कोई हाथ नहीं है, अमेरिका ये कह रहा है और ये भी बता रहा है कि इजरायल ने हमले से पहले जानकारी भी दी थी। तो देखिए, ये हमला यूं ही नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला हुआ और बकायदा अमेरिका को इजरायल ने इस हमले की जानकारी दी थी। लेकिन इस दौरान ये भी अमेरिका कहता नजर आया कि ईरान पर जो हमला हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। अमेरिका को इजरायल ने बता दिया था, हमले से पहले पूरी जानकारी दे दी थी। तो देखिए, जबरदस्त हमला जो इजरायल ने ईरान पर किया है उसके बाद अमेरिका ने अपनी सफाई दी और कहा कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। इजरायली अटैक पर अमेरिका की सफाई सामने आई है। इजरायल ने हमले से पहले जानकारी भी दी थी, अमेरिका इस बात को भी कबूल कर रहा है। तो 19 एयर स्ट्राइक, एक साथ 19 बम बरसाए गए हैं ईरान की राजधानी तेहरान में और उसके बाद पूरा तेहरान धधक उठा है। और अटैक पर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है, तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है और यह बात साफ हो गई। देखिए, अब मीडिया के हवाले से भी खबर आ रही है कि देखिए कैसे अटैक किया गया। ईरानी मीडिया ये कंफर्म कर रही है, ईरानी मीडिया के तेहरान में सैन्य ठिकाने जो हैं, जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, जो प्रमुख अड्डे हैं ईरानी सैनिकों के, उन पर हमला किया इजरायल ने और तस्वीरें भी सामने आई है। ईरानी मीडिया ये दावा करती नजर आ रही है कि तेहरान में सैन्य ठिकानों पर 19 बम बरसाए हैं इजरायल ने, जिसमें भारी तबाही की खबर भी आ रही है। हालांकि कितना नुकसान हुआ इसकी पूरी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, ईरानी मीडिया ने साफ कर दिया कि तेहरान में एयर स्ट्राइक हुआ है, जबरदस्त बमबारी हुई है और यह बमबारी तेहरान में देखिए उन सैन्य ठिकानों पर जहां ईरान का बेस कैंप था, ईरानी सैनिक जिसे अपना अड्डा बनाए थे, वहां पर यह अटैक किया गया है और तस्वीरें भी सामने आई हैं।